मूर्ति मोरिया में आपका स्वागत। आज हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है, अंदाजे भगवान गजानन का दिन है, यानी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो युगों युगों से चलती आ रही है। चलिए जानते हैं कि कौन सी वो कथा है जिसे आज लोग बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करते हैं। वाकई हम आजाद, जी हां, बेशक आइए जानेंगे आजादी के तमाम पहलुओं पर। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणाः शरन्तु च, अस्यै देव त्वम् आचाये, माम हेति च कश्चन। ओम भू भू भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहित गणपते सुप्रतिष्ठितो वर्धो भवः। आज गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश का दिन। गणेश चतुर्थी के संबंध में एक कथा प्रचलित है। हम नहीं भूले हैं अपने वीरों की कुर्बानी को, उन बलिदानों को। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। पूरा भारतवर्ष, तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? सलाम करता है, कभी नहीं भुला पाएंगे हम आजादी के उस पल। तब माता पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया। 15 अगस्त 1947, और उसने प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी गौरव की गाथा गाने का। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर हमें बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ, दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। किसने? जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। आजाद भारत की खुली आबोहवा में परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उससे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक अध्याय शाप से मुक्ति का उपाय की बगावत से लेकर तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आई हैं, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। मिलकर बना है। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। यात्रा तय की है जिसमें एक अनेक राष्ट्रीय वहाँ श्रावण नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। दो मुख्य हथियार थे, सत्य और अहिंसा। 14 अगस्त की मध्य रात ऐसी घड़ी थी, नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके बालक को ही व्रत की विधि बताई के साथ भेंट। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। आज महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई लोगों की से हमारा देश स्वतंत्र हो पाया। एक अन्य अत्यंत लोकप्रिय कथा जो स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, और ये है पतंगी। आसमान में हजारों रंग बिरंगी पतंगें, चमकदार पतंगें। तब हर भारतीय के घर से दर्शन देकर कहा, और मैदानों में मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। पतंगे इस अवसर के आयोजन का मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास आजादी की खुशियां मनाने का और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। आज के दिन आजादी का शंकर गणेश जी तथास्तु कहकर उनका ध्यान हो गया। वो जज्बा आज भी है। हम अपने शूरवीरों के दिए बलिदानों को शत शत नमन करते हैं। उसी दिन से गणेश चतुर्थी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। अरविंद वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। कहीं जाकर आजादी के बाद इन तमाम कुर्बानियों के बाद आज आजाद है। आजाद है, आजादी से लबरेज है हर कोई।
संवेदना तो गणपति को गणों का स्वामी कहा गया है। गणेश की पूजा पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। बड़ा ही पहरा लोग अपने मन में श्रद्धा का अलग जगह है। भगवान गणेश के एक दर्शन को लालायित रहते हैं, सांस ले रहे हैं। ओम विग्रहराजाय नमः। ओम प्रसन्नात्मने नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम चतुराय नमः। गणपति आदि देव हैं, जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिया है। परम पूज्य गणेश अग्र पूज्य हैं, गणों के स्वामी हैं। इस देश को आजाद इनके आह्वान मात्र से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। गजानन के इस स्वरूप के दर्शन पाने को लोग लालायित रहते हैं। किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ करने से पूर्व भगवान गणेश का नाम लेना शुभ फलदायक माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना लोग श्रद्धा पूर्वक और भक्तिभाव से करते हैं। अगर ज्ञान और संकल्पों को सशक्त बनाने की बात हो तो धार्मिक उपायों में श्री गणेश की उपासना फलदायी मानी जाती है। भी जल रही थी, इसी करते श्री भी गणेश का एक नाम गजानन भी है। गजानन यानी हाथी मुख वाले। चेतना भी रह रहकर आवाज दे रही थी। असल में गजानन नाम आनंद स्वरूप है, जिसे देखने और स्मरण करने पर पहली बार मन मस्तिष्क में आनंद और प्रसन्नता का भाव ही आता है। प्रातः पहर में स्नान कर देवालय में श्री गणेश का ध्यान कर पंचोपचार पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है, जिसमें गंध अक्षत सुगंधित फूलों के साथ साथ विशेष रूप से सिंदूर और 11 या 21 दुर्वा दल चढ़ाया जाता है। की हुकूमत जड़ से उखाड़ बाहर मोदक या मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। वीरों ने हुंकार भरी, अगरबत्ती और दीप जलाए जाते हैं। साथ ही मंत्रों का मन ही मन 11, 21 या इससे अधिक बार जप किया जाता है। करो या मरो की पूरे देश में गणेश चतुर्थी की महिमा है। लोग अपने अपने तरीके से भगवान गणेश की पूजा बड़े ही धूमधाम से करते हैं। भूमि को सींच गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है, क्योंकि इतने दिनों में चली आ रही हर गली मोहल्लों और चौराहों पर भी भगवान श्री गणेश की स्थापना कर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। वीरों की कुर्बानी की बदौलत आज देश के खुली हवा में सांस ले रहे हैं, समर्पण का भाव जगा रहे हैं। प्रमुख गणेश मंदिरों में दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। वहीं मंदिरों पर विशेष साज सज्जा भी की जाती है। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान श्री गणेश की आराधना में जुट जाता है। श्री गणेश को प्रतिदिन मोदक का भोग लगाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ स्थापित की जाने वाली श्री गणेश की विशालकाय मूर्तियाँ लोगों की श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र होती है। 10 दिन के बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को इस पर्व का समापन होता है। भक्त घरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित श्री गणेश की मूर्तियों को प्रवाहित करते हैं और ये कामना करते हैं कि अगले साल फिर से भगवान श्री गणेश सुख और समृद्धि लेकर उनके घर आए। चतुर्दशी की रात्रि को आकर्षक झांकियां निकाली जाती हैं, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसी के साथ गणेश उत्सव का समापन होता है।
चारों तरफ अरविंद वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट खबरें आजादी इसी के साथ हमारी खास पेशकश मंगल मूर्ति मोरिया में इतना ही। हमारी कामना है कि आप सब गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व को सौहार्द पूर्वक मनाएं। नमस्कार। ऊपर सब कुछ शांत था लेकिन अंदर इन शोलों को हवा देने के अपने मन में जल रहे उस दिए को बुझने नहीं देना। ना जाति धर्म ना क्षेत्रवाद हो, समर्पण और अपने देश के लिए बलिदान की भावना प्रगाढ़ होती जा रही थी। स्वराज्य हमारा जन्म सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कैसे कोई अपनी भावनाओं को समावेशित रख सकता है? अकुलाहट थी सबके भीतर लेकिन संभाव की कोई कमी भी नहीं थी। क्रांति का आगाज हुआ तो सारी भूमि रक्त रंजित हो गई। वीर गति को प्राप्त होने की लालसा रक्त संचार को प्रबल ही कर रही थी। हौसले और भी मजबूत होते जा रहे थे। कहीं अश्रु रुदन का दृश्य तो कहीं चीख पुकार। अपनों के लिए भावनाओं का, देश के लिए समर्पण और अपने प्राण न्योछावर कर देने की भावनाओं के आगे कोई मोल न था। अहिंसा और असहयोग को लेकर महात्मा गांधी और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए लौह पुरुष सरदार पटेल जैसे महापुरुषों ने अंग्रेजों को खदेड़ने की ठान ली थी। हुआ भी वही, देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करने की वो घड़ी नजदीक आ चुकी थी। 14 अगस्त 1947 को सुबह 11 बजे संघटक सभा ने भारत की स्वतंत्रता का समारोह आरंभ किया, जिसे अधिकारों का हस्तांतरण किया गया था। और जैसे ही मध्यरात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 15 अगस्त 1947 को भारत के लोगों ने लाखों कुर्बानियां देकर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। ब्यूरो रिपोर्ट खबरें अभी तक। जी हाँ बिल्कुल, 15 अगस्त 1947 को मिली हिंदुस्तान को आजादी इस बात की वानगी है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उगदा है जो वाह हो नहीं सकता। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आजादी के जश्न को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। We'll be right back.